भारत माता की जय। आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। जैसे कि मैं पहले दो वीडियो में दिखा चुका हूँ, श्री गुरु जी जीवन प्रसंग संकलन का छोटे छोटे पॉइंट को मैं विस्तार से समझा कर कुछ बताने की चेष्टा कर रहा हूँ, ताकि आपको भी समझ में आ सके और आपको इस पुस्तक को पढ़कर और गुरु जी के बारे में जानने का और संघ के बारे में समझने का मौका मिलेगा। आपको अच्छा टॉपिक समझ में आएगा, ये टॉपिक इसलिए मैं आपके लिए अवेलेबल कराया हूँ। जैसे कि मैं पहले वीडियो में कुछ पैरा को मैं बता चुका हूँ, आज उसके बाद से कर रहा हूँ, आज उसके बाद से बता रहा हूँ। तो आप भी अगर पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो को देख लीजिए। आपसे मेरा आग्रह है कि पहले आप पहले वाले वीडियो देखिए, तभी आप इसके बाद में कुछ समझ में आएगा। वैसे आपके लिए मैं अभी शुरू से दिखा दे रहा हूं, आप पॉज कर करके देख लीजिएगा एक बार। ये प्रथम पेज है, ये द्वितीय, ये तीसरा, ये चौथा, और आज ये है, आज जो पांचवा पेज ये है जो मैं बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को पॉज कर करके आप उसको देख लीजिएगा, अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो पहले वीडियो को देख लीजिए। और सीमा नहीं थी उनकी इस प्रयत्नशीलता की भी, जो थी हिंदू देश और हिंदू समाज के उत्कर्ष के लिए। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक अविराम परिभ्रमण, यानी संघ के शाखा के लिए, संघ शाखाओं के प्रसार द्वारा जन जन के संपर्क स्थापना, बैठकों में संशयकों के परिचय और उनका सुसंस्करण, शिक्षा शिविर में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत प्रचारकों का प्रोत्साहन, सार्वजनिक कार्यक्रम में लोगों को उद्बोधन, स्थान स्थान पर एक समाज के प्रबुद्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सम्मिलित संभाषण, दिग्भ्रमित बंधुओं के दिशा निर्देश, संघ कार्य में अलग राष्ट्र हितैषी प्रवृत्ति एवं स्थापना का संपोषण, हिंदू धर्म के विभिन्न उपासना पद्धति के परिव्याख्याप्त, एकात्मता का संत एवं पंथों के मध्य जागरण, राष्ट्रीय साहित्य का प्रकाशन, हिंदू अहिंदू सभी के मंगल का सदैव संपादन। इस प्रकार की अनवरत प्रयत्नशीलता का परिणाम यह था कि संघ कार्य का अकल्पनीय विस्तार स्रोत हो सका और समाज के लोग राष्ट्रीय विवेक से संपन्न हो सके। इसी सीमातीत प्रयत्नशीलता एवं सीमातीत तड़पन के फलस्वरूप श्री गुरु जी के जीवन में बहिर्मुखता भी सीमातीत थी, और ऐसी सीमातीत थी कि उसके लिए आहार और विश्राम नगण्य हो गए थे। परंतु इसमें जीवन में भोजन और शयन नाम मात्र के रूप में रह गए थे। यानी सखाओं के माध्यम से संपर्क करना, बैठकें लेना और उसके लिए सुसंस्कारित करना सभी को, और शिक्षा शिविर में यानी जो OTC लगता है उसमें कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना और उस कार्यकर्ता में कुछ उसमें बौद्धिक देना, ये उनका जीवन यानी जीवन में यही कार्य पर रह गया था। और दिन रात बिना खाए पिए सोए और थोड़ा सा विश्राम, थोड़ा सा भोजन और दिन रात उसी में कार्य करते रहना। कभी कभी ये भी कहा जाता था कि जब उनको 2 मिनट का समय मिलता था तो गुरु जी बैठ जाते थे पत्र लिखने के लिए। किसी न किसी को पत्र लिखना है, हम 2 पत्र 3 पत्र, यानी अपने समय का एक एक सेकेंड एक एक पल का कैसे सदुपयोग करना है ये गुरु जी के जीवन से सीख सकते हैं। और उस समय पत्र जलता था, अभी फोन तो हो गया है, व्हाट्सएप हो गया है, जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ गया है, लेकिन उस समय वो सुविधा नहीं थी। तो पत्र लिख के सबसे पत्र के जरिए सबके साथ मिल के जुल के ये कार्य करना रहता था, तो पत्र लिखते थे वो। और भोजन और शयन कम मात्र ना शयन नाम मात्र के रह गए थे। ऐसी अत्यधिक बहिर्मुखता के बाद भी श्री गुरु जी प्रातःकाल जब संध्या वंदन में लिए अपने आसन पर बैठते थे तो समाधिस्थ हो जाने में कठिनाई से 2-2.5 मिनट ही लगते थे। यानी ऐसे स्थिति में ये होने के बाद भी
वो समाधि में शांति से बैठने में वो कि ज्यादा देर नहीं, 2 से 3 मिनट में ही वो अपने समाधि में बैठ जाते थे। यह आश्चर्य का विषय है और यह तथ्य सहज बुद्धिगम्य नहीं हो पाता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में तड़पन की अनुभूति और कार्य की बहुलता इतनी अधिक हो, वह कैसे इस सारी व्यवस्थाओं और सारी व्यथाओं और व्यवस्थाओं से तुरंत अतीत होकर कतिपय क्षणों में ही समाधि स्थल हो जाता था। यानी ये एकदम थोड़ा सा समय लेते थे और फिर वापस वो उसी समाधि स्थल में चले जाते थे। इतना काम धाम, इतना प्रेशर, इतना घूमना फिरना जाना, इतना होने के बावजूद भी वो 2 मिनट में ही सहजता से वो समाधि स्थल में बैठ जाते थे और ध्यान में बैठ जाते थे। नाना प्रश्नों का चिंतन करने वाले और नाना दिशाओं का विचरण करने वाले मन को सर्वत्र से समेट कर के तथा इन सब विचार विषयों से तुरंत अलग अपने ध्येय बिंदु पर एकाग्र कर लेना साधारण बात नहीं है। जगत के स्मृति में का न रहना, यहाँ तक कि स्वयं की भी स्मृति न हो, उनके अतीत होकर ध्यान करते समय मन का ध्येय में समाहित हो जाना, अध्यात्म समाहित हो जाना, अध्यात्म राज्य के अत्यंत असाधारण व्यक्ति उपलब्धि है। एकांत के क्षणों में श्री गुरु जी ही एक चरमांत मूर्खता सचमुच अद्भुत स्थिति है। इस स्थिति सहज ही समझ में नहीं आ पाती है। वास्तविकता यह है कि कमरे के एकांत में आसन पर अवस्थित होकर ध्यान धारण करते समय जिस आधा शक्ति के जगदम्बा के श्री चरणों में स्मरण चिंतन होता है, आसन पर से उठने के बाद कमरे के बाहर कार्य क्षेत्र में उतर कर माँ भारती के सेवा के रूप में उन्हीं अद्यशक्ति जगदम्बा के श्री चरणों की आराधना अर्चना होती है। भारत माता के रूप में वह अध्यशक्ति जगदम्बा ही उनकी सेवा स्वीकार कर रही है। भारत भूमि के और भारत माता के पुत्र हिंदू समाज के हित का अहिर्य क्रियान्वयन ही मातृ चरणों की उपासना थी। श्री गुरु जी के विचार का प्रवाह था, मातृ चरणों का अनवरत चिंतन, जग जग में संभाषण करते समय उनके अधरों से निस्सृत होने वाला शब्द थे भगवती जगदम्बा की स्तुति और मातृभूमि की सेवा के द्वारा उन्होंने की निरंतर भगवती जगदम्बा के अर्चना। और उनका एक एक विचार, एक एक शब्द, एक एक कार्य मातृ अर्चना के अंग था और उसका तन मन वचन जीवन सब कुछ माँ के चरण में अर्पित था। और अर्चन के तालीन ऐसी थी कि शरीर को संभाल नगण्य हो गई। यानी ये पूरा जीवन, उनका जितना जीवन प्रवाह मातृभूमि के चरणों में और माँ जगदम्बा के चरणों में अर्पित था, यही शक्ति थी उनके लिए उनके कार्य करने का, उनके कार्य को विस्तार यानी इतने बड़े रूप में कार्य करने के प्रेरणा देने का जो शक्ति था, वो आया कहाँ से? इस माँ भारती के कार्य करने के लिए प्रेरणा मिला और उसके लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए ऐसा उनके मन में कभी भी उनके शरीर में थकान न होना और कार्य करते रहना दिन रात यही है। अभी हम लोग शाखा में 1 घंटा 1 आवर्स भी जाने में जाना रहता है तो बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। और वो अपने पूरे जीवन को उसी माँ भारती के लिए, इसी माँ भारती के पूजन के लिए अर्पित कर दिए थे। अभी आपसे आग्रह होता है कि आप 1 घंटा आइए केवल माँ भारती और इस भारत माता के पूजन के लिए, आप 24 घंटे में 1 घंटा निकालिए तो समय नहीं रहता है हम लोगों के पास। और वो पूरा जीवन ही, और 24 घंटा में 18 घंटा 19 घंटा कार्य करने वाले व्यक्ति श्री गुरु जी थे। उनसे कुछ प्रेरणा लेकर के हमें कम से कम 1 घंटा कार्य करने के लिए, 1 घंटा माँ भारती को पूजा करने के लिए शाखा में आना चाहिए। स्वल्प आहार और अल्प निद्रा के उपरांत भी अथक अथक परिश्रम करके विधेयत के परिचायक है। उनकी सभी चेष्टाएं सर्वदा प्रेरणा प्रदान करती रहती है। बहिर्मुखी जीवन में अत्यधिक क्रियाशीलता
होते हुए भी एकांत के क्षणों में तुरंत समाधि स्थल हो जाना, यह रहस्य यही था कि भीतरी जीवन और बाहरी जीवन, एकांतिक जीवन और सामाजिक जीवन, इन दोनों के प्रति उनकी भेद बुद्धि सर्वथा समाप्त हो गई थी और उनकी प्रत्येक चेष्टा के द्वारा प्रत्येक क्षण मातृभूमि अर्चना, प्रत्येक क्षण मातृ अर्चना संपन्न होती थी। अच्छे अच्छे योगियों के लिए भी यह आध्यात्मिक स्वरूप स्थिति दुर्लभ थी, यानी अच्छे अच्छे योगी जो तपस्वी लोग के लिए भी ऐसी आध्यात्मिक मुश्किल था और वो उतने नहीं कर पाते थे। समर्थ स्वामी रामदास और स्वामी विवेकानंद जैसे संतों की परंपरा से यह पर मोज्ज्वल रत्न श्री गुरु जी की इस स्वरूप स्थिति पर विमुख था मेरा अंतर, और इसी से आकृष्ट किया मुझे इस संकलन कार्य के लिए, जिनके एकांतिक स्मरण का प्रत्येक क्षण था परम वत्सल्य जगदम्बा के श्री चरणों की पावन स्मृति, जिनके अंतर का प्रत्येक विचार था मातृ चरण पितृ सुमन विमुखी, जिनकी वाणी का प्रत्येक शब्द था मातृ वंदना रत पुरित संस्तुतित, और जिनके कृत शरीर की प्रत्येक चेष्टा थी मातृ चरणों के सेवा अज्ञाग्नि में, यानी सेवा की अग्नि में, यज्ञ की अग्नि में, सेवा रूपी यज्ञ के अग्नि में, माँ चरणों में, मातृ चरणों में जाने वाले दिव्य आहुति, इन्हीं ऋषि जीवन अध्यात्म मूर्ति श्री गुरु जी के जीवन के कतिपय प्रसंग को संकलन का पुस्तक संकलन इस पुस्तक में हुआ है। यानी ये गुरु जी के जो इस सेवा रूपी यज्ञ में जो अपने जीवन को आहुति कर दिए हैं, उन्हीं का संकलन इस पूरे पुस्तक में है। इस चेष्टा कार्य के लिए उत्प्रेरित करके मित्रवर श्री सुधीर जी दिवंगत हो गए। फिर उनके स्नेही बंधुओं के उत्साह भरे सहयोग से यह संकलन कार्य पूरा पूर्ण हो पाया। इस संकलन के अधिकांश प्रसंग यत्र तत्र पत्र पत्रिका पुस्तकों में प्रकाशित हो चुके हैं। पूर्व प्रकाशित होते हुए भी इस प्रसंगों का एक स्थान पर एकत्रीकरण ही इस संकलन की नवीनता है। इस एकत्रीकरण में विविध प्रसंगों के द्वारा श्री गुरु जी के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है। संकलन करते समय ऐसी भी कहीं कहीं हुआ है कि एक प्रसंग के अन्यत्र प्रकाशित तथ्य भी मिला दिए गए हैं। उदाहरणार्थ इस संकलन के माननीय श्री रज्जू भैया का श्री बद्रीनाथ यात्रा शीर्षक एक प्रसंग छपा है। इस प्रसंग में पूज्य श्री गुरु जी तथा श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचार्य द्वारा लिखित ग्रंथ भी सम्मिलित कर दिए गए हैं। यत्र तत्र से प्रसंगों को संकलित करने के कार्य में और तथा संकलित प्रसंगों के यहाँ वहाँ सम्मिश्रित करने के प्रयास में मेरे द्वारा जो भी प्रमाद हुआ हो उसके लिए मैं क्षमा का याचना करता हूँ। उनके संकलनकर्ता के तरफ से वो ये आग्रह है कि अगर कुछ भूल चूक हुआ है, आप मेरे से कुछ भी चीज़ गड़बड़ हुआ है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आपसे मेरा भी निवेदन है कि अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो आपसे क्षमा का आग्रह करता हूँ, और कहाँ भूल चूक हो रहा है ये मेरे को बताइए, मैं ताकि अगले वीडियो में कुछ सुधार करने का प्रयास करूँगा। सर्वांत में विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से उद्भासित होने वाले सभी परम पूजनीय श्री गुरु जी के जीवन की यह लोकोत्तर गौरव गाथा, यह सभी के अंतर को देश धर्म के उत्मोत्सर्ग करने की भावना से अनुपुत्रित कर दे, यही मातृभूमि के चरणों में विनम्र प्रार्थना है। मेरा भी यही प्रार्थना है कि इस गुरु जी के जीवन को आप सभी के बीच में अच्छे से, यानी मैं जो साधारण भाषा में समझा पा रहा हूँ, ये भाषा तो बहुत ही टफ लेवल का है, बहुत ही कठिन शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं, फिर भी मैं उसको साधारण भाषा में समझा करके आपको प्रयास कर रहा हूँ कि आप इसको समझ पाएँ, ऐसा मेरा चेष्टा रहेगा इसके बाद से इस पुस्तक में। और
आपको समझ में ना आए, जहाँ पर कोई शब्द का मतलब नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं प्रयास करूँगा उस शब्द का सही अर्थ बता पाऊँ। गीता वाटिका गोरखपुर, विनीत राधे श्याम बंका, ये उनके द्वारा संग्रह किया गया है। नेक्स्ट है अपनी बात, फिर शीर्षक है सभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो नेगेटिविटी इस YouTube के माध्यम से फैला रहे हैं, उसको ख़त्म किया जा सके, उसके कुछ अंश भी ख़त्म किया जा सके, तो मेरा प्रयास सफल रहेगा। आपसे आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से सभी को सही संदेश जाए इस संघ के बारे में। भारत माता की जय। भारत माता नमस्कार। की जय, जय श्री राम। आप सबका फिर से नए वीडियो में स्वागत है। जैसे कि मैं पहले 3 वीडियो में गुरुजी जीवन प्रसंग, श्री गुरुजी जीवन प्रसंग के 3 खंडों को प्रकाशित कर चुका हूँ, अब चौथे खंड में आ रहे हैं, चौथे पार्ट में हैं अभी। संकलनकर्ता राधे श्याम बंका जी है। ये पूरा का पूरा जो पुस्तक है, ये संकलन हुआ है, ये किसी को द्वारा लिखा नहीं गया है, ये यत्र तत्र बिखरे हुए पत्र पत्रिकाओं और न्यूज पत्रिकाओं के माध्यम से इसको इकट्ठा करके एक साथ इसमें एकत्रित किया गया है। आज हम लोग प्रकाशक प्रकाशक के अपनी बात, यानी वो जो वक्तव्य रखना चाहते थे, अपना किस मत से रखे हैं, ये आज के दिन आज इस वीडियो में रखेंगे। भव्य भवन निर्माण करने के लिए सुदृढ़ नींव अपरिहार्य है। कहने का अर्थ यह है कि पूरे बड़ी विशाल विशाल भवन बनाने के लिए उसके नींव नींव में मजबूती जरूरी है। पूरे भवन को बनाने के लिए नींव में मजबूती जरूरी है। नींव को जितना ज़्यादा मजबूत रहेगा भवन, उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। वैसे ही हमारा संघ परिवार रूपी एक भवन, संघ परिवार जो बना, उसकी नींव नींव डालने में बीज रूपी बीज डाले डॉक्टर जी। डॉक्टर जी ने बीज डाला और उसका नींव यानी भवन का नींव रखने में हमारे परम पूजनीय श्री गुरु जी का आशीर्वाद और उनका सुदृढ़ नींव और सुदृढ़ रूप से वो डाले हैं, इसलिए इतने बड़ी हमारी संगठन खड़ा हो पाई है, जिसमें आज हम लोग देख सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी, भारतवर्ष नहीं, सबसे विश्व के सबसे बड़ी स्वयंसेवी संगठन है, जो किसी के द्वारा नहीं, केवल और केवल अपने संगठन के व्यक्तियों के द्वारा ही संघ चलता है। ऐसा हमारे संघ में है, ऐसा नींव डालने वाले परम पूजनीय गुरुजी थे। विशाल राष्ट्र भवन का निर्माण, असंख्य समर्पित व्यक्तियों के बलिदान तथा तिल तिल कर अपने को गलाने ही संभव है। विशाल राष्ट्र भवन यानी बड़े इस संघ रूपी इतने बड़े विशाल राष्ट्र भवन का निर्माण, तिल तिल यानी हमारे व्यक्ति, हमारे स्वयंसेवक, हमारे कार्यकर्ता के बलिदान है, और उसमें अपने जीवन को गलाने के से ही संभव है। और हमारे प्रचारक और हमारे कार्यकर्ता ने इन अपने जीवन को पूरी तरह से इस संघ कार्य में गला दिया, जैसे कि गुरुजी ने जलाया, जैसे कि गुरुजी ने इस राष्ट्र कार्य के लिए, अपने संघ के कार्य के लिए अपने को उसके अंदर में गला दिया। नाम मान सम्मान व सुख वैभव की कामनाओं से विरत और प्रखर राष्ट्रभक्ति के ओतप्रोत संगठित कार्यकर्ताओं के अनुशासनपूर्ण परिश्रम से ही राष्ट्र का रथ वैभवपूर्ण गंतव्य की ओर अग्रसर होगा। यानी हमारे राष्ट्र नाम काम यानी हमें अभी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, आजकल जो सोशल मीडिया में फोटो डालने की होड़ चल रही है, और हम लोग फोटो एक छोटा सा काम कर रहे हैं और फोटो तुरंत डालने का जो होड़ चल रही है और डाल रहे हैं, छोटा सा कार्यक्रम हुआ और उसको तुरंत डाल देते हैं। इससे नाम और मान सम्मान से दूर सुख वैभव यानी हमें सुख नहीं चाहिए, हमें ऐसो आराम की जिंदगी नहीं चाहिए, हमें राष्ट्रभक्ति यानी राष्ट्र के लिए प्रखर ओतप्रोत संगठन कार्यकर्ता ओतप्रोत राष्ट्र के प्रति भक्ति, राष्ट्र की भक्ति के से ओतप्रोत, हमारे रग रग में राष्ट्रभक्ति है, हमारे DNA में राष्ट्रभक्ति है, हमारे खून के हरे कण कण में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के लिए हम अपने लिए समर्पित है, ऐसे संगठित कार्यकर्ता के अनुशासनपूर्ण परिश्रम और उनके अनुशासनता
जो एक समय यानी अपने हम बोल दिए हैं कि अपने को 6 बजे शाखा लगाना है और 7 बजे विक्रय करना है, तो 6 बजे तुरंत शाखा लगाना है और शाखा विक्रय करना है 6 बजे ही 6 बजे, और 1 घंटा का कार्यक्रम जितना है उसको निमित्त यानी उस कार्यक्रम में समय का निर्धारण करके, समय को फिक्स करके उस समय के अनुसार ही अपने कार्यक्रम को लेना, यही हमारी राष्ट्रभक्ति है, यही हमारे अनुशासनशीलता है। संघ के संसेवक ऐसे ही होते हैं, संघ के कार्यकर्ता ऐसे ही होते हैं, किसी भी समाज में किसी भी कहीं भी जाएंगे संघ के सेवक सेवक संघ के संसेवक तो अपने समय अपने अनुशासन अपनी परिश्रम से उस किसी भी क्षेत्र को परम वैभव तक उसके बदलाव में लाने का प्रयास करते और लाते हैं, चाहे जिस क्षेत्र में जाएं संघ के स्वयंसेवक, राष्ट्र कार्य करते हैं और कर्म क्षेत्र में भी गए तो उसको वो बदलने का प्रयास करते हैं। ये राष्ट्र ये हमारे स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक में ही संभव है। राष्ट्र के रथ को वैभव पूर्ण, अब राष्ट्र को रथ को वैभव पूर्ण तक पहुँचाना, उसको चरम शिखर तक यानी पूरे विश्व पटल पर हमारे राष्ट्र सबसे ऊपर है और हमें राष्ट्र ने हमको हमने हमेशा मार्गदर्शक दिया है, पूरे राष्ट्र को मार्गदर्शक दिया है और देते रहेंगे, ऐसी भावना रखने वाले पुरुष अनुशासित संसेवक ही संभव है। राष्ट्र में ऐसे बंधु कैसे प्राप्त होगा और ये राष्ट्र में ऐसे बंधु ऐसे संसेवक कैसे तैयार होंगे, कैसे मिलेंगे? सभी देश प्रेमी विचारशील व्यक्तियों को चिंता का यह विषय है। सभी देश प्रेमी विचारशील व्यक्तियों के चिंता का यह विषय है और सभी के लिए यह विषय है कि ये कैसे राष्ट्रभक्ति है, इतनी परम वैभव तक पहुंचाने वाले व्यक्ति कहाँ से मिलेंगे, ये सबके लिए चिंतन का विषय है। सभी क्षेत्रों में चिंतन का विषय है कि ऐसे सुदृढ़ कार्यकर्ता कहाँ से मिलेंगे, चाहे अनुसांगिक संगठन में हो और चाहे राजनीतिक संगठनों में हो, वो लोग भी चिंतित रहते हैं कि कहाँ से ऐसे कार्यकर्ता मिले जो संघ ऐसा कार्यकर्ता निर्माण करते रहते हैं, संसेवक निर्माण करता है, सभी जगह नहीं मिलते हैं। परम पूज्य श्री गुरु जी 33 वर्ष के अखंड अविरल साधना का यह प्रतिफल है। परम पूज्य गुरु जी थे जो सबसे लंबे समय तक 33 वर्षों तक सरसंघ चालक थे, यह ऐसा कहा जाता है 33 वर्षों तक सरसंघ चालक है थे, अभी तक उतने लंबे कालखंड तक कोई सरसंघ चालक अभी तक नहीं रहे हैं, मान्य सरसंघ चालक कोई नहीं रहे हैं, कि अखंड अविरल साधना का ही प्रतिफल है और उनके 33 सालों के अखंड साधना का यह प्रतिफल है कि ऐसे देव दुर्लभ देववादी कार्यकर्ताओं का देवव्यापी समूह है। ऐसे देवव्यापी यानी देवता तुल्य दुर्लभ धैर्यवादी धैर्यवान धैर्य के साथ रहने वाले कार्यकर्ताओं को देशव्यापी समूह यानी देश में हर एक देश के हर एक कोना कोना में ऐसे कार्यकर्ता यही जी नहीं गुरु जी के कारण संभव हुआ है। उदाहरण में आप देख सकते हैं दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, अभी उनका शताब्दी वर्ष चल रहा है, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को आप समझेंगे देखेंगे तो पता चलेगा गुरु जी कैसे थे। और दत्तोपंत ठेंगड़े जी ने अनुसांगिक संगठनों को खड़ा करने में, देश में आंदोलन लगाने में, देश के सामाजिक कार्य करने में, राजनीतिक कार्य करने में महत्वपूर्ण योगदान दत्तोपंत ठेंगड़े जी ने दिया। अभी हाल ही में 2 या 3 वर्ष पहले नानाजी देशमुख को भारत रत्न से सम्मानित किया, जिन्होंने समाज में और ग्राम विकास गाँव का विकास कैसे हो ऐसा करके दिखाया, चित्रकूट में उनका बहुत बड़ा सामाजिक कार्य का उदाहरण वहाँ पर उपस्थित है। ऐसे श्रेष्ठ जीवन के असंख्य बोधप्रद प्रसंगों में से कुछ ही इस संग्रह में संग्रहित हो सका है। ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे व्यक्तित्व के खरे, ऐसे धैर्यवान व्यक्ति का कुछ अंश ही इस पुस्तक में उपस्थित है। इस संग्रह में संकलित हो चुके जो उस समय साधना का अंतर्गत परिचय प्रदान करते थे, आशा है एक छोटा सा संकलन भी स्वर्ग वैभव संपन्न राष्ट्र निर्माण की आकांक्षा मेरत बंधुओं को मार्गदर्शन अधिक आत्मविश्वास से अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करेगा। और हमें आशा है कि ऐसा करके मैं जो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं स्वयंसेवक और राष्ट्र के प्रति जो भावना रखते हैं उनके लिए एक अच्छा मार्गदर्शन का साधन यह पुस्तक बनेगा। और मेरा भी यह आग्रह रहेगा कि मैं आपको एक अच्छे संसेवक अच्छे कार्यकर्ता बनने का इस वीडियो के माध्यम से इस नए युग में नए परिवर्तन के साथ में जो मैं आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ
आपके अंदर में कुछ प्रेरणा जगे, ये पुरानी पुस्तक है लेकिन आपके लिए नए युग में आपको उपस्थित करा रहा हूँ, जिससे कि आप में बदलाव आए, ऐसा मेरा मानना है। ये नए युग में नए चीज़ नए तरह से सबको आना पड़ता है, तो मैं भी एक संघ तरफ से संघ के संसेवक के नाते यह प्रयास कर रहा हूँ कि इस नए युग में आपको इनका मार्गदर्शन यानी गुरु जी का मार्गदर्शन आपको मिले, ताकि आप तो गुरु जी को समझ सकें और गुरु जी को समझ के संघ को समझ सकें और संघ का कार्य करने में आपकी पूरी लगन लगी रहे। अभी भी यहाँ कुछ प्रसंग संग्रहित है, वहाँ अनेक बिखरे फैले हैं। कृपालु पाठकों से प्रोत्साहन का भविष्य में इस प्रकार का संकलन और भी संभव है, यानी ऐसा जो संकलन है आपको भी भविष्य में ऐसा मिल सकता है, यह आपके प्रकाशन का मत था। मेरा भी यह है कि ऐसा संकलन ऐसे जो पुस्तक है मैं आपके लिए उपस्थित कराता रहूँगा, उसका साधारण से साधारण भाषा में मतलब समझा करके आपको इसका विश्लेषण करता रहूँगा इस हमारे चैनल के माध्यम से। इसी बात पर आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सभी से सब्सक्राइब करवाइए। हमारे सभी स्वयंसेवकों से आग्रह है कि यह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, भारत माता की जय, जय श्री राम। आपका फिर से मेरे नए वीडियो में स्वागत है। अभी एक सीरीज चल रहा है, श्री गुरु जी जीवन प्रसंग। इनके पूरे सीरीज अभी मैं व्याख्या कर रहा हूँ और आगे करता रहूँगा। पूरे पुस्तक के जो जो महापुरुष उनके बारे में कुछ बोले हैं, उनके बारे में जो भी बोले हैं, उनका कुछ खंड संकलन किया गया है राधेश्याम बंका जी के द्वारा। ये बहुत पुराने पुस्तक है, उस पुस्तक को मैं आपके लिए अवेलेबल कराया हूँ और उसको व्याख्या कर रहा हूँ। आशा करते हैं आपको पहले दो वीडियो तीन वीडियो देख चुके हैं और आपको वो वीडियो अच्छा लगा हो, आप उसके बाद में इस वीडियो को देखिए, आपको ये भी वीडियो अच्छा लगेगा और कुछ संघ कार्य करने के लिए आपको एक प्रेरणादायी स्रोत आपको दे पा रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। आदर्श जीवन टॉपिक है, आदर्श जीवन चैप्टर वन है, उनसे निकट संबंध मेरा अहोभाग्य। बाला साहेब देवराज जी अपने सरसंघ चालक जी थे, बाला साहेब देवराज जी, उनके निकट संबंध यानी उनके साथ में रहने का मौका मिला, ये बाला साहेब देवराज जी बोल रहे हैं कि मेरा यह अहोभाग्य है कि हम ऐसे महापुरुष के साथ में रहने का मुझे मौका मिला है। मेरा अहोभाग्य है मेरा संघ के दो महापुरुष, संघ निर्माता डॉक्टर हेडगेवार और उसके पश्चात उनके परम पूजनीय श्री गुरु जी के साथ बड़ा निकट संबंध रहा है। डॉक्टर जी के समय छोटी आयु के कारण मेरी समझ कम थी, उसके सहवास में मेरा गठन हो रहा था। मेरे समान ही मेरे अन्य साथी की भी जो आज भिन्न भिन्न प्रांतों के प्रमुख के नाते कार्य कर रहे हैं स्थिति थी। अब गुरु जी के साथ हमारा संबंध आया, तब हम डॉक्टर जी द्वारा गढ़े जा चुके थे, हम लोगों की व्यवहारिक शिक्षा भी समाप्त हो चुकी थी और उस समय कोई नागपुर में तो कोई भिन्न भिन्न प्रांतों का कार्यभार संभालने लगे था। जब गुरु जी के साथ संपर्क आया तब हम अनुभवी और उसके कुछ कार्य किया है हम कुछ जानते हैं, ऐसा भाव या अहंकार मन में कोने में नहीं रहा होगा, यह नहीं कहा जा सकता है। यानी कुछ कुछ अंश रहा होगा, हाँ कुछ किए हैं गुरु जी के समय से पहले हम डॉक्टर जी के साथ कुछ कार्य किए हैं, ये मन में एक जगह कोने पर बैठा हुआ था। फिर भी गुरु जी के साथ में आने का मौका मिला अपने बाला साहब देवराज जी का। यद्यपि 1940 में परम पूजनीय गुरु जी के देहांत के पश्चात श्री गुरु जी सरसंघ चालक बने, तथापि उनके पूर्व भी हम लोगों को उसके साथ जैसा जितना संबंध आया था उसके आधार पर उनके संबंध में उस समय हमारी निश्चित कोई धारणा नहीं बन पाई थी। वैसे वे बुद्धिमान तथा बहुत श्रुत थे, यह हम लोगों के सुना था कि उन गुणों का हम अनुभव भी करते थे, परंतु उन्होंने अपने भावी जीवन की दिशा तब तक निश्चित नहीं किया। उनकी रुचि हमें आध्यात्मिकता की ओर अधिक दिखाई दी। सर्वसाधारण लोगों जैसे वेशभूषा साधारण धारण करने वाले गुरुजी को हमने कुछ दिन बाद दाढ़ी केस बढ़े हुए देखा। इन सब बातों के कारण हम लोग उनके विषय में कोई निश्चित धारणा नहीं बना पाए। इन प्रारंभिक संबंधों के बाद सन 1938 में डॉक्टर जी की उपस्थिति में सिंधी के में हुए एक दीर्घकालीन बैठक में के निकट संबंध संपर्क में आने का अवसर मिला।
उस बैठक में हम लोगों ने श्री गुरु जी के वाद विवाद, पटुता और बुद्धिमता और अभिनिवेश के साथ स्मरण प्रतिपाद की क्षमता आदि विशेषताएं देखी। साथ ही बैठक में एक निर्माण हो जाने पर उसे शिरोधार करने चले की ओर और संघवृत्त टीम वर्क का भी परिचय मिला। अब हम लोगों के मन दुखित न हो इसलिए हमारी बातें मान लेते थे। अंतिम दिनों में वे तो उनकी इच्छा न होते हुए भी हम लोगों की उदासी देखकर ही इंजेक्शन लेने के लिए वे डॉक्टर के सामने अपना हाथ बढ़ा देते थे। ऐसा थे अपने गुरुजी। अपने कार्यकर्ताओं का मन दुखी न हो इसलिए इंजेक्शन लगाने के लिए चले जाते थे। उनकी इच्छा नहीं थी कि बाहरी कोई भी इंजेक्शन दवा खाएं जिससे कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो या ज़्यादा दिन तक वो दवा खाकर अपने शरीर को चलाएं। सन 1938 से 40 में उनके साथ मेरा घनिष्ठ संबंध आया। 1940 में नागपुर के संघ शिक्षा वर्ग में वे सर्वाधिकारी थे। उन्हें उसके साथ 40 दिन के इस सहवास के काल में मुझे उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं और गुणों का गहरा परिचय प्राप्त हुआ। उनके इस मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि डॉक्टर जी उनकी ओर विशेष दृष्टि से देखते हैं। डॉक्टर जी 1938 के संघ के कार्य के बारे में कुछ चिंतित से दिखाई देने लगे थे। एक तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, उसके कारण मनचाहा दौरा नहीं कर पाते थे। उस समय संघ कार्य का आज जैसा वटवृक्ष के समान विस्तार नहीं था हो पाया था। गुरुजी के साथ संपर्क बढ़ने पर वे प्रसन्न हुए और हम लोगों को कहने लगे कि मुझे अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं में धारा प्रवाह रूप से विचार रख सकने की क्षमता वाला पुरुष मिल गया है। जब हम लोगों ने गुरुजी का प्रथम अंग्रेजी भाषण सुना तब अंग्रेजी भाषा पर उनका असाधारण अधिकार देखकर हम अस्तंभित रह गए। डॉक्टर जी के व्यक्तित्व के ऐसे कुछ अवश्य था कि एक बार मिलने के लिए आया हुआ व्यक्तित्व बार बार उनसे संपर्क में आने की इच्छा करने लगता था। गुरु जी का भी वही था। वे डॉक्टर जी की ओर धीरे धीरे आकृष्ट हुए। डॉक्टर जी 1940 में संघ कार्य का संपूर्ण दायित्व तो उन पर सौंप दिया और उन समय गुरु जी की आयु लगभग 34 या 35 की होगी। सार्वजनिक जीवन के बारे में उनके अनुभव भी अधिक नहीं था। उन्होंने अपने अंतिम पत्र में जो कहा उस पर जब सरसंचारक पद का भार आया तब वे कुछ जानते नहीं थे। उनका यह कथन औपचारिक नहीं अपितु वस्तुस्थिति है। उन्होंने असफलता का काफ़ी श्रेय सहयोगियों को दिया परंतु स्वयं श्री गुरु जी का श्रेष्ठ व्यक्तित्व भी एक बहुत बड़ा कारण है। सरसंचालक पद का भार ग्रहण करने के बाद अत्यंत श्रद्धा और लगन के साथ वे कार्य में जुटे रहे। उनके स्वभाव में अमूल्य परिवर्तन हो गई। प्रारंभ में वे क्रांति स्वभाव के थे परंतु संघ कार्य प्रारंभ करने पर उन्होंने अपना क्रुद्ध स्वभाव बदल डाला और प्रारंभिक दिनों में बैठक में कभी कभी गुरु जी उग्र रूप से धारण तो और कर लेते थे परंतु कुछ मिनटों के बाद वे कोई ऐसी बात छेड़ देते थे कि बैठक के वातावरण की गंभीरता का कुछ हसी वातावरण छा जाता था। वे हम लोगों से कहते थे कि यद्यपि वे शीघ्र कोपी है तथापि दीर्घद्वेषी नहीं है। देश के विभाजन और संघ का प्रतिबंध के समय उनकी क्षमा वृत्ति और उग्र वृत्ति के अनुभव मैंने स्वयं किया है। नवंबर 1947 से जनवरी 1948 तक अर्थात संघ कार्य का प्रतिबंध लगने तक मुझे गुरु जी के साथ दौरा करने का अवसर मिला। विभाजन के कारण हिंदुओं पर जो संकट आया उससे संघ स्वयंसेवक ने अपने बंधुओं को बचाने का अद्भुत साहस दिखलाया। यही कारण था कि उन दिनों श्री गुरु जहाँ भी जाते थे वहाँ लाखों लोग उनके भाषण सुनने के लिए एकत्रित हुआ करते थे। लाखों लोगों का सभाओं में आना और उनका श्रद्धा से नतमस्तक होना यह सब देखकर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो अहंकार में फूल उठता परंतु गुरु जी ने लोगों से कहा कि वे अपने ही लोगों पर क्रोध न करें। गुरु जी के मन में विभाजन की बड़ी पीड़ा थी। उनके भाषण में उसकी वे आलोचना
भी करते थे, फिर भी वे लोगों को क्रोध न करते करने और संतुलन न खोने के परामर्श देते थे। बम्बई के महती सभा में उन्होंने जो भाषण दिया वह चिरस्मरणीय रहेगा। उन्होंने वहां कहा था कि बाहरी आक्रमण के समय पंचाधिकम शतम है, परंतु जब शासनकर्ताओं के बिना कारण संघ पर प्रतिबंध लगाया तब उनके शासनकर्ताओं के प्रति बड़ा रुख अपनाया। प्रतिबंध काल में सहस्त्रों संशोधकों ने सत्याग्रह करके कारावास का जीवन स्वीकार किया। श्री गुरु जी को भी बंदी बनाया गया। संघ पर लगाई गई पाबंदी हटाने के विषय में उन्होंने सरकार के कड़े शब्दों में विरोध किया। गृह मंत्रालय के इस एक अधिकारी ने श्री वेंकटराम शास्त्री के निकट, जो उन दिनों संघ और सरकार के बीच मध्यस्थता कर रहे थे, कहा भी था कि श्री गुरु जी के पत्रों की भाषा बहुत कड़ी रहती है। इसी पर श्री वेंकटराम शास्त्री के वक्तव्य देते हुए उन्होंने उत्तर दिया, मिस्टर गुलवलकर इज ए ब्लंट मैन, इनोसेंट ऑफ द इटिक्वेट रिक्वायर्ड इन द कॉरेस्पॉन्डेंस विद द गवर्नमेंट, द सॉफ्ट एंड द टर्नेंट अवे व्रत इज नॉट अमंग हिज गिफ्ट। श्री गुरु जी क्रोध का समन करने वाले मधुर भाषा नहीं जानते थे, ऐसा नहीं था, परंतु संघ की प्रतिष्ठा करने के लिए उन्होंने उस समय अत्यंत कड़ा रुख अपनाया था। उसकी कार्यपद्धति की अनेक विशेषताएं हैं। प्रतिबंध काल में और कैंसर के ऑपरेशन के बाद तीन चार मास का समय छोड़ दे तो लगभग 32 वर्षों तक लगातार प्रतिबंध प्रतिवर्ष एक बार संघ शिक्षा वर्ग के निमित्त से और दूसरी बार छोटे और व्यापक दौरे के निमित्त से संपूर्ण देश में वे दौरा करते थे। उनका अंतिम प्रवास मार्च के 1973 के मध्य समाप्त हुआ। उसके 2.5 मास बाद उनकी मृत्यु हो गई, यानी जीवन पर्यंत 32 वर्ष तक भारत में वर्ष में दो बार ये भ्रमण करना कोई कम बात नहीं है। पूरे के पूरे भारत में ऐसा भ्रमण करने वाले महापुरुष थे। ऐसा और उसके जैसा अपने देश में इतना विस्तृत दौरा विश्व के किसी भी व्यक्ति ने ही किया होगा। इस दौरे में किसी न किसी व्यक्ति के घर में ठहरा करते थे और तथा उस घर के सभी व्यक्तियों को अपने स्नेहपूर्वक व्यवहार से आकर्षित कर लेते थे। इस प्रकार उनका संबंध लाखों परिवार से छोटे बड़े व्यापार व्यक्तियों के आया और उसमें ही वे ये व्यक्ति गुरु जी के अपने परिवार का ही निकट संबंध मानते थे। वे उन व्यक्तियों के संबंध में पूर्ण जानकारी रखते थे। दोबारा भेंट होने पर प्रत्येक के विषय में नाम लेकर जानकारी पूछते थे और उनकी मृत्यु के बाद जो शोक संवेदना के पत्र और आए उससे आप उसमें कईयों ने लिखा है, वी हैव बीन ऑर्फन अगेन, हम पुनः अनाथ हो गए। ऐसा उनका प्रत्यक्ष समर्पण अद्भुत था। वैसे उनका पत्र व्यवहार भी था। श्री गुरु जी के कार्यभार के पत्र लेखन के क्षेत्र में कल्पना करते ही ऐसा लगता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा यह होना असंभव है। श्री गुरु जी स्वयं पत्र लिखते थे और मिलने आए हुए संशयों के आसपास चारों ओर बैठे रहते थे। वार्तालाप चल रहा था, हास्य विनोद हो रहा है और उसी बीच में श्री गुरु जी पत्र लिखते जा रहे हैं और हम सबके लिए यह एक सुपरिचित दृश्य था। प्रतिदिन यदि 5 पत्र लिखने का भी हिसाब रखे तो वर्ष में 1500 से 2000 पत्र लिखते थे। इस हिसाब से पूरे 33 वर्ष में उन्होंने कितने पत्र लिखे होंगे उसकी कल्पना से आश्चर्यचकित होना पड़ता है। पत्र लिखने का भी यह एक विश्व विक्रम वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ ऐसा कहना पड़ेगा। अपनी विशिष्ट कार्यपद्धति के द्वारा उन्होंने संघ कार्य का वर्तमान स्वरूप खड़ा किया और डॉक्टर जी ने संघ कार्य की आधारशिला रखी और श्री गुरु जी ने प्रसाद खड़ा किया। वे संघ कार्य रूपी प्रसाद के शिल्पी थे और उनके संकटों में वे उनके संघ कार्य को बढ़ाया। संकटों के सामने वे विचलित नहीं हुए। जैसे ही यह सुसंस्कृत सुभाषितकरण ने कहा है, जिस प्रकार उदय और अस्त का समय सूर्य के रक्तरण एक सा रहता है, वैसे ही महापुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक रूप रहता है। उसी प्रकार गुरु जी व्यवहार अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में एक सा रहा करते थे। उद्देश्य सविता रक्तो रक्तस्य च
चास्मनेत था संपतो च विपतो च महाता महता मेकरूपता। उसके व्यक्तित्व का हर पहलू आश्चर्यजनक था। उनका स्वास्थ्य परम से उत्तम था। वे मलखम के चैंपियन थे। हम लोगों के सामने तो उनका दुर्लभ शरीर ही था, इसलिए वे बातें सुनकर संभव है आश्चर्य लगता होगा। वे उत्तम संगीतज्ञ थे, स्वर उत्तम बंसी वादक थे। नागपुर के सुप्रसिद्ध अंध गायक श्री संवरलाल राम उनके अभिन्न सिद्ध मित्र थे, परंतु संघ कार्य में जुटे जाने के बाद उन्होंने अपनी सारी क्षमता सारी सक्रियता उसी नियोजन में भर दिया। उसे स्वास्थ्य की चिंता नहीं थी, अखंड कार्यरत रहे और अपनी शारीरिक पीड़ाओं का संबंध में कहीं किसी के से कुछ नहीं कहा और दूसरे के स्वास्थ्य के बारे में दस पर पूछा करते थे। जब नागपुर में रहते थे तब बीमार संशोकों के घर मिलने जाते थे, मेडिकल कॉलेज के रुग्ण संशोकों से देखते जाते थे। इसके आदर्श के कारण संपूर्ण देश भर में संघ कार्य का एक विशेष वायुमंडल निर्माण हुआ। यह जब किसी संगठन के छोटे से लेकर बड़े तक सभी के विशिष्ट प्रकार का व्यवहार रहते करते यार तो उस संगठन का वायुमंडल निर्माण होता है। आज जो कुछ संघ विषय में लोभनीय है और प्रशासनिक दिखाई देता है उसका संपूर्ण श्रेय श्री गुरु जी को जाता है। यही बाला साहब देवस्थ यानी संघ कार्य को बढ़ाया। डॉक्टर जी ने बीज रूप दिया और गुरु जी ने इस कार्य को परम वैभव तक यानी इस बट वृक्ष को बीज एक छोटी सी ब्रिज यानी पीपल का बीज एक सरसों का दाना से भी छोटा होता है लेकिन उसका वृक्ष इतना बड़ा होता है। उसी रूप से गुरु जी ने एक बीज डाला और उस बट वृक्ष और इस पीपल वृक्ष को इतना बड़ा करने का योगदान पूरा योगदान श्री गुरु जी को जाता है और श्री गुरु जी ने ही किया था इस पूरे कार्य को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक्स। नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नमस्कार। भारत माता की जय। आप सभी का एक संशय चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ जो नकारात्मक हमारे संघ के विषय में फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया माध्यम से या मीडिया माध्यम से, उस नकारात्मक को थोड़ा सा ख़त्म करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। और मुझ में इतना भी क्षमता नहीं है कि श्री गुरु जी जीवन प्रसंग का पूरा विवरण मैं अकेले अपने मन से दे पाऊँ, इसलिए मैं आपके लिए आपके बीच में ये पूरी पुस्तक का सारांश बोल सकते हैं या पूरी के पूरी पुस्तक ही मैं आपके लिए लाया हूँ। और श्री गुरु जी को समझेंगे तो संघ को समझेंगे, संघ के विचार को समझ पाएंगे, संघ के संगठन के कर्ता के बारे में समझ पाएंगे और संघ क्या करता है, संघ क्या सोचता है समाज के बारे में और समाज से के क्या ऐसा रिस्पॉन्स आता है संघ के लिए। आप इस पुस्तक को पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। आज उसका दूसरा पार्ट पाँच पार्ट में डाल चुका हूँ, आज पाँचवा पार्ट है। लेकिन ये जो गुरु जी का आदर्श जीवन का दूसरा पाठ है जिसमें माँ की सेवा का प्रचार क्यों, राम रतन तिवारी जी के एक प्रसंग है जो अपने इस गुरु जी के बारे में बताए हैं कि माँ की सेवा करेंगे तो उसका प्रचार क्यों किया जाए। आखिरकार सेवा तो सेवा है, भारत माता की सेवा कर रहे हैं, उसको किसी न्यूज़ मीडिया में डालना, प्रचार करना, फोटो डालना, ऐसा न करके हमें कार्य करता रहना चाहिए, कार्य पर ध्यान रहना चाहिए और काम को दिखावा के रूप में नहीं उपस्थित करना चाहिए। राम रतन तिवारी जी की एक घटना अपना इस में बताए हैं। मई 1972 की घटना है। ग्वालियर में मध्य भारत प्रांत का संघ शिक्षा शिविर चल रहा था ग्वालियर में। शिविर में श्री गुरु जी दो दिनों तक रहे और वहाँ पर गुरु जी का प्रवास पूरे भारतवर्ष में चलता था। जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ कि वो वर्ष में दो बार, एक संघ शिक्षा वर्ग के समय और एक प्रवास, दो बार वर्ष में दो बार पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते थे। उसी तरह ये इसका भी ये समय था जिसमें ग्वालियर में दो दिन के लिए उनको रहे थे उस शिविर में। इस समय उन्हें एक पुस्तक राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भेंट की गई। उस पुस्तक में भारत पाक युद्ध के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की सेवाओं का उल्लेख किया गया था और भारत पाक युद्ध के समय भारत के द्वारा भारत पाकिस्तान को
खदेड़ भगाया था और हराया था, परास्त किया था, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। कुछ घटनाएं का उल्लेख हुआ है, आगे भी होगा, ज़्यादा घटना का उल्लेख इस पुस्तक में भी है, तो उसको देखेंगे। स्वयंसेवकों के द्वारा पंजाब के मोर्चे पर जो त्याग और बलिदान दिए गए थे उसका संक्षिप्त और तथ्यपूर्ण विवरण इस पुस्तक में दिया गया था। यानी ये जो पुस्तक है राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर शीर्षक की जो पुस्तक है उस पर पूरे संघ के स्वयंसेवकों के कार्य को विस्तार पूर्वक उसमें छोटा सा संक्षिप्त में लिखा गया था, ताकि संघ का क्या किया है भारत के लिए उस पुस्तक में देखा जा सकता है। मुझे स्वयं वह पुस्तक बहुत अच्छी लगी, मुझे यानी राम रतन तिवारी जी, मुझे स्वयं इस वह पुस्तक बहुत अच्छी है और उपयोगी प्रतीत हुई। हम सभी के पूर्ण आशा थी कि श्री गुरु जी इस पुस्तक की प्रशंसा करेंगे, और उनको भी यह लगा था कि ये श्री गुरु जी इसको एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के साथ साथ और इसकी बड़ाई भी करेंगे, प्रशंसा भी करेंगे। भेंट स्वरूप पुस्तक दी जाने पर, पुस्तक का परिचय पाने पर उन्होंने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की उसे सुनकर मैं दंग रह गया। यानी ये पुस्तक स्वीकार करके, ये पुस्तक स्वीकार कर गुरु जी ने जो उत्तर दिया, ये सभी चौंक गए कि वो क्या रिस्पॉन्स दिए। और हम लोग कभी प्रचार करते नहीं हैं, बाकी सभी दूसरे संगठनों के लोग या विदेशी लोग बोलते हैं कि संघ का सबसे बड़ी गलती है कि वो प्रचार करता नहीं है, किसी के समक्ष बजाता नहीं है, बोलता नहीं है, इसीलिए उस संगठन के बारे में ज़्यादा जान पाना और जानना थोड़ा मुश्किल है, और वो लोग असमंजस में रहते हैं कि ये संगठन कैसा है कैसा नहीं है। उन्होंने कहा इस प्रकार की पुस्तक वे स्वीकार नहीं करेंगे, यानी उनका कहना था कि मैं इस तरह की पुस्तक स्वीकार नहीं करूँगा। संघ संस्थापकों द्वारा की गई सेवाओं का, बलिदान का, त्याग का इस प्रकार प्रचार किया जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। यानी संघ के संस्थापकों को जो त्याग कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, उसका प्रचार हो, प्रसार हो, इससे उनके मन में भी घमंड आ सकता है, उनके मन में भी थोड़ा सा ही आए लेकिन आ सकता है। इसलिए इसका किंचित भी प्रचार प्रचार प्रसार ना हो और समाज में कहीं भी इसकी चर्चा ना हो, ये गुरु जी के चाहते थे। मैंने कहा पुस्तक प्रकार के साहित्य के संघ शिक्षा, मैंने कहा पुस्तक में उल्लेखित तथ्य भविष्य के इतिहास की सामग्री बन सकते हैं और इस प्रकार के साहित्य को संघ कार्य का प्रचार भी हो सकता है। तो राम रतन जी बोल रहे हैं कि इस पुस्तक के माध्यम से हमें इतिहास में कुछ कुछ किए हैं, कार्य किए हैं, इसमें संजोया जा सकता है और इससे संघ कार्य के प्रचार और प्रसार में सहायता हो सकती थी, ये तर्क दे रहे हैं राम रतन जी। श्री गुरु जी ने मुस्कुराकर धीरे से उत्तर दिया, यदि कोई पुत्र अपनी माँ की सेवा करने का समाचार पत्रिका में प्रकाशित करे तो क्या ये श्रेयस्कर माना जा सकता है? संशोधकों ने भारत माता की सेवा में जो कुछ किया है वह उनके स्वाभाविक कर्तव्य ही था, अतः इसका प्रचार कैसे? उनका कहना भी ठीक था, इनके यानी कहने का अर्थ यह है कि हम अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, माँ की सेवा करके उसके प्रचार प्रसार किया जा सकता है क्या? प्रचार प्रसार करना क्या स्वाभाविक कर्तव्य है? या करना क्या करके उसको दिखावा करके क्या करेंगे? माँ की सेवा तो माँ की सेवा होती है, करते रहना है, जीवन भर करते रहना है, हमेशा करते रहेंगे। इसीलिए उस गुरु जी ने उस पुस्तक को स्वीकार नहीं किया, उस पुस्तक को और अस्वीकार करके उसको वापस कर दिए। मैं वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मेरे एक संशोधक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जितने भी संशोधक हैं, जितने भी हिंदू देख रहे हैं, आपको अगर अच्छा लग रहा है ये कार्य मैं कर रहा हूँ आप सभी के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप दूसरे अपने संशोधकों से, शाखा के माध्यम से और कार्यक्रमों के माध्यम से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि इसके रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ सके और जो नेगेटिव फैला रहे हैं, जो नकारात्मक फैला रहे हैं, उसमें कुछ अंश अपना चला जाए, आपका भी चला जाए और मेरा भी चला जाए, ताकि इस नकारात्मक को खत्म किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, आप सबका फिर से एक संशोधक चैनल में स्वागत है। आज हम लोग गुरुजी जीवन प्रसंग का, आदर्श जीवन का तीसरे पार्ट को लेकर आ रहे हैं, जो गुरुजी के संक्षिप्त जीवन और संक्षिप्त परिचय के बारे में बता रहता है और संघ के कार्य को संक्षिप्त में समझने का मौका
हमें मिल रहा है और हम इसको समझ पा रहे हैं, आप भी समझ पाएँ, इसलिए मैं एक प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए। एक छोटा सा प्रयास है कि आपको इसके विषय में, इस हिंदी को सरल में बता करके, इस हिंदी को साधारण भाषा में बता करके, आपको इस गुरु जी के बारे में समझने के लिए मैं उपस्थित हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शीर्षक है च्युति कभी नहीं, राजा भाऊ पत्तूकर। तीसरा है च्युति कभी नहीं, इसका मतलब है कि कभी भी उनसे कुछ गलतियाँ, यानी शरीर को लेकर के कभी भी शरीर को डिसबैलेंस नहीं हुए हैं, कहीं गिरे नहीं हैं, कहीं कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ऐसा राजा भाऊ जी का कहना है। और दो तीन चूक, यानी च्युति यानी चूक बोल सकते हैं, चूक कभी नहीं हुआ है, दो तीन इसमें उदाहरण है, आप एक बार देखेंगे हम लोग को समझ में आ जाएगा। सन 1938 की बात है, लाहौर में संघ शिक्षा शिविर लगा हुआ था। लाहौर में पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों एक साथ था, तो लाहौर भी भारत में, भारत का हिस्सा था, वहाँ भी संघ शिक्षा पर लगा हुआ, तो वहाँ भी हिंदू रहते थे, वहाँ भी संघ सेवक रहते थे, और वहाँ पर शिविर लगा हुआ था। शिविर में कुल 40-50 संघ सेवक थे, आरंभिक समय था और स्टार्टिंग समय था। अभी तो कैंप में फर्स्ट ईयर ही, अभी तो लगता है में तो 200-250 से ऊपर में, तीन तीन पार्ट, चार चार पार्ट में लगाना पड़ता है कई कई प्रांतों में, लेकिन पहले इतनी 38-40 यानी 50-60 स्टार्टिंग के समय में, प्रारंभ के समय में रहती थी। अगस्त का महीना था, उस समय भी महीना का भी कोई फिक्स नहीं था कि इसी महीना में लगे, स्कूल का कोई सिस्टम नहीं था कि हाँ मई में छुट्टी मिलेगा तो मई में ही हम लोग कैंप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मई जून में ही छुट्टी के समय में लगाएंगे, ऐसा नहीं था, कभी भी लगता था, जब भी सुविधा समय के अनुसार लगता था। गुरुदत्त भवन का स्थान प्राप्त हुआ था। एक दिन सुबह में लालटेन साफ कर रहा था, तभी किसी ने आकर कहा कि परम पूज्य श्री डॉक्टर साहब आ गए हैं। मैं वैसे के वैसे ही काले हाथ जो मिट्टी के तेल में सने थे लिए बाहर आया और द्वार पर तंगा खड़ा था, यानी वो डॉक्टर साहब आ रहे हैं, गुरुदत्त भवन मिला हुआ था और डॉक्टर साहब गुरुदत्त भवन में आए हुए थे और मिट्टी का तेल उसमें हाथ में लगा हुआ था, मिट्टी लालटेन, पहले लालटेन चलता था, उसको साफ सुथरा कर रहे थे, साफ करके वो जैसे थे वैसे ही डॉक्टर जी के नाम सुने वो बाहर गेट पर चले गए। श्री गुरु जी तांगे के नीचे उतर कर तांगे के पास में खड़े थे, और श्री गुरु जी उस समय सरसंचारक नहीं थे, वो डॉक्टर जी के साथ ही रहते थे, और श्री गुरु जी डॉक्टर जी से पहले नीचे उतर करके खड़े हुए थे ताकि गुरु जी उतरे, संभल कर उतरे और उनको कुछ असावधानी ना हो, उम्र उनका भी हो गया था, इसलिए वो नीचे उतर के पहले ही खड़े थे ताकि उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम मैं उतर के उनको पकड़ सकूं। श्री डॉक्टर साहब तांगे के नीचे उतर रहे थे, श्री डॉक्टर साहब आगे आए ही होंगे कि मैंने जाकर चरण स्पर्श किया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, उन्होंने इशारे से यह सूचना किया कि श्री गुरु जी के चरण स्पर्श करो, और जैसे ही डॉक्टर जी के पैर छुए राजा भाऊ जी, और उन्होंने इशारा किया कि जाइए गुरु जी के भी पैर स्पर्श करो, उनको भी चरण स्पर्श करो। मैंने वैसे ही किया और श्री गुरु जी का हाथ पीठ पर लगा और उन्होंने पूछा, क्या लाइट नहीं है? यानी लाइट नहीं था, हाथ में लालटेन का लिए मिट्टी का तेल लगा हुआ, तो समझ गया कि तो ये लाइट नहीं लग रहा, लालटेन ये साफ कर रहा है। मैंने कहा, हाँ लाइट आज तक तो नहीं थी, हो सकता है आज ही कनेक्शन मिल जाए, यानी आज तक नहीं है, हो सकता है ये विनोदाभास हो रहा है, हंसी मजाक हो रहा है, हो सकता है आज ही आ जाए, ऐसा उनका राजा भाऊ जी का कहना था। उन्होंने विनोद भरी भाषा में कहा, क्या आज का ही मुहूर्त है? तो वो भी विनोद भरी भाषा में बोल दिए, क्या आज का ही मुहूर्त है? आज ही मुहूर्त लेकर आएगा क्या लाइट? जैसे ही हम लोग अंदर आए तो आदत के अनुसार बिजली के बटन दबाया और लाइट आ गई, यानी गुरु जी के अंदर घुसते ही लाइट आ गई। ये यानी भगवान काम ईश्वरीय कार्य करेंगे तो आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी, लाइट आएगी ही आएगी, कोई भी समस्या हो समस्या तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ऐसा संघ के संसेवकों के मन में विश्वास रहता है।
लो मुहूर्त सध गया, यानी लाइट आने का मुहूर्त आ गया। यह श्री डॉक्टर जी का पंजाब की पहली बार और आखिरी बार जाना था, यानी उनके 1940 में उनका देहावास हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया। 38 में वो पहली बार गए पंजाब में, और यह अंतिम ही था, उसके बाद में पंजाब में उनका जाना कभी नहीं हो पाया। श्री डॉक्टर जी और गुरु जी 8 दिन लाहौर में रहे, ये दोनों जन लाहौर में 8 दिन तक रहे थे। लाहौर से लौटने के 2-3 दिन पहले ही श्री डॉक्टर जी ने कमर में दर्द शुरू हो गया था। लाहौर के जाने के बाद दौरा पूर्ण होते ही श्री गुरु जी का एक पत्र आया। पत्र में था दौरे का समाचार और कार्य संबंधित कुछ मार्गदर्शन और श्री डॉक्टर जी के स्वास्थ्य संबंध में कुछ विवरण। उसी पत्र में श्री गुरु जी ने लिखा था कि श्री डॉक्टर जी का व्यक्तित्व वैसे ही है जैसे किसी महान पुरुषों के गरिमा के बारे में भगवत गीता में लिखा हुआ था। ये श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तुम मेरे तेज के अंश में से ही उत्पन्न हुई जान है। यानी कहने का अर्थ है कि भगवान के जो भी आपके अंश था, उनका गुरु जी का अंश था, वो भगवान का ही अंश है। ये डॉक्टर जी का कहना था, ये एक श्लोक के माध्यम से उनको व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ, ये भगवान के ही अंश है डॉक्टर जी, और उन्हीं के अंश के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्या यही बात श्री गुरु जी के संबंध में भी सचमुच सिद्ध नहीं होती है? सन सन 1949 का प्रसंग है। श्री गुरु जी लाहौर के दौरे पर आए थे। वे स्नान करने के लिए स्नान गृह पर जा रहे थे। उस समय पाकिस्तान में आना जाना लगा रहता था, तो ये स्नान करने के लिए स्नान गृह में गए थे। मैं स्नान गृह के पास ही खड़ा था। जो ही वे भीतर जाने लगे, वे सावधान होने के लिए दृष्टि से धीरे से कहा, अंदर थोड़ी फिसलन है। यानी राजा भाऊ जी बोल रहे हैं, अंदर में थोड़ी सी फिसलन है, आपको सावधानी से जाना चाहिए गुरु जी, और अच्छे से जाइए, सावधानी पूर्वक जाइए। उन्होंने बड़े विश्वास से भीतर प्रवेश करते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं संभल कर ही पैर रखा हूँ और मैं कभी फिसलूंगा नहीं। यानी चिंता करने की कोई बात नहीं, अंदर से आवाज़ आ रही है, चिंता करने की बात नहीं है, मैं संभल कर आया हूँ, संभल कर ही रहूँगा, आपको चिंता नहीं कर रहा। अब मैं अपनी जानकारी की बात कर रहा हूँ। राजा भाव जी बोल रहे हैं कि मैं अपनी जानकारी के लिए बात कर रहा हूँ। संचालक बनने के बाद में श्री गुरु जी 33 वर्ष तक अखंड प्रवास किया। पैरों में खड़ाऊ हो या जुत्ती हो या चप्पल हो या किसी प्रकार के चंडे उतरने के काम पड़ा हो, कहीं भी कभी भी उनका पैर फिसला नहीं। इतना ही नहीं तो भरे हुए कप में कभी चाय नीचे नहीं गिरी। भोजन करते समय थाली के बाहर अन्न का कुछ कण भी नहीं गिरा। और क्या कहूँ, इनके कपड़े पर भी कभी धब्बा नहीं आया। सब प्रकार से उनके दृष्टि सावधान रहा करती थी, यानी उनकी सावधानी इतनी थी, इतनी सावधानी रहती थी, कप से चाय अगर भरा हुआ है फिर भी उनके चाय नीचे नहीं गिरती थी। भोजन का एक दाना भी थाली के नीचे नहीं गिरता था। कण कण को वो एक कण भी नीचे नहीं गिरना पड़ता था, और कपड़ा में एक धब्बा नहीं था, कुछ ही प्रकार का दाग नहीं, किसी प्रकार की। इतनी सावधानी के साथ श्री गुरु जी अपने संघ के कार्य को करते थे और संघ कार्य को आगे बढ़ाते थे। आपको अगर अच्छा लग रहे हैं, ये वीडियो अच्छा है, मैं बना रहा हूँ, कुछ मेहनत करके ही बना रहा हूँ, कुछ पढ़ के ही बना हूँ, लेकिन मेहनत लग रहा है, इसमें मेरे को PPT बनाना पड़ता है, PPT बना करके इसमें लिखना है, माइक लगा के बोलना है, पढ़ना है, बार बार बहुत मेहनत लगता है। आप मेरे को प्रेरणा देने के लिए, मेरे को उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, आपका एक संशोधक चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है आदर्श जीवन। आदर्श जीवन का अध्याय 4, क्या प्रार्थना सुनाई देगी। वचनेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। ये वचनेश त्रिपाठी का प्रसंग है, जो अपने गुरु जी के बारे में हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं उसके
ऊपर में कुछ टॉपिक है। पहला है क्या प्रार्थना सुनाई देगी, ये 4 टॉपिक है। काल की वह काली रात, 5 जून 1973 की, यानी 5 जून 1973 जो गुरु जी का अंतिम प्रार्थना सुनने का समय था। 5 जून 1973 की ये क्रूर रजनी, रजनी मतलब रात्रि, रात आने के पूर्व 7:30-8 बजे तक श्री गुरु जी कितने शांत थे, कितने संयत थे कि आप अब्बा जी दत्ते से वो बोल रहे हैं कि मैं प्रार्थना में जाऊंगा, ये वो 5 जून 1973 से बोल रहे हैं। 7 बज रहे थे, उन्हें कष्ट बहुत था, सांस नहीं ले पा रहे थे, फिर भी वो संघ प्रार्थना में जाने के लिए अपनी धोती को फेट कसने की कोशिश करते रहे। अब्बा जी ने मना किया और प्रार्थना में जाने से रोकते हुए कहा, अपने कमरे से ही प्रार्थना सुनिए। यानी अब्बा जी बोल रहे हैं कि अपने प्रार्थना से बैठ करके आप प्रार्थना सुन सकते हैं, बैठिए यहाँ पर। तब आप पूछते हैं, यानी गुरु जी पूछते हैं, क्या यहाँ से प्रार्थना सुनाई देगी? यही श्री गुरु जी के अंतिम जिज्ञासा थी। अब्बा जी ने कहा हाँ सुनाई देगी। फिर श्री गुरु जी कुछ नहीं बोले और वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे ही प्रार्थना की। और ऐसी प्रार्थना कौन करता है, कौन जानता था कि उनकी अंतिम प्रार्थना सिद्ध हो गई। यानी ये अंतिम प्रार्थना थी और वो अंतिम प्रार्थना वहीं से बैठे बैठे सुन करके और रात्रि काल में उनका देहावसान हो गया, यानी स्वर्गवास हो गया और ये अंतिम प्रार्थना हुई। ये 5 जून 1973 ईस्वी को उनका अंतिम दिन है, अंतिम दर्शन, अंतिम क्षण तक प्रार्थना सुने और अंतिम क्षण तक प्रार्थना सुन करके अपने को धरती से स्वर्ग की ओर चले गए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मेरे एक संस्कार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और आपको लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं तो सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, भारत माता की जय। आपका एक संस्कार चैनल में फिर से स्वागत है। जैसे कि हम लोग डेली अपने इस आदर्श जीवन, गुरु जी के आदर्श जीवन, जीवन प्रसंग जो पुस्तक है उसके आदर्श जीवन चैप्टर के 5 पर पहुंचे हैं। समय की पाबंदी टॉपिक है, समय की पाबंदी। अभी समय की पाबंदी कैसे करनी है और संघ में यही सिखाया जाता है कि समय की पाबंदी करते हुए संघ कार्य करना और समय की पाबंदी समाज में भी दिखाना कि नहीं, संघ कैसे अपने समय को पाबंदी करके समय के साथ समय के अच्छी तरह से पालन करके संसेवक समाज में भी कार्य करते हैं और संघ का भी कार्य करते हैं, अपना निजी कार्य भी करते हैं, निजी कार्य को भी सुचारू रूप से करते हैं। यानी एक संसेवक से एक संसेवक का समय का पाबंदी इतना अच्छा मैनेजमेंट रहता है कि MBA करने वाले बंदे को भी अगर एक संसेवक अच्छे कार्यकर्ता संघ के संसेवक के साथ बैठा दिया जाए तो इस संसेवक का अच्छा मैनेजमेंट रहता है और अच्छी तरह से सभी कुछ को मैनेज करता है और समय का एक एक सेकंड, एक एक पल, एक एक चीज का कैसे सदुपयोग करना है अपने लिए और संसेवक समाज के लिए, ये अपने समय संघ में देखा जा सकता है और देख सकते हैं। यही है गुरु जी का समय का प्रबंधन की घटना है जो इसमें दिया हुआ है। हम लोग चर्चा करते रहते हैं बात बात बीच बीच में, तो आप इसको पूरे वीडियो को अंतिम तक देखिए। अभी गुरु जी जो समय का कैसे पाबंदी करते थे आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। वीडियो को अंतिम तक देखिए। मैं अगर आपको अच्छा लगता है, मैं वीडियो अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ आपके लिए, कहीं से पुस्तक को अवेलेबल करा करके आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन अच्छी तरह से मिल सके। समय का पाबंदी, परम पूज्य श्री गुरु जी की समय की पाबंदी के बारे में विशेष निर्देश करने की वास्तव में आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक प्रसंग का उल्लेख करना चाहूँगा जो अपनी विशेषता के कारण कुछ विशिष्ट है। यानी अब संघ के संसेवकों को क्या समय का उल्लेख के बाद बताना, संघ के संसेवक समाज में यही दिखाते ही अपने क्या है, अपने कैसे करते हैं, इस समय का पाबंदी के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी एक घटना है जो कि आपके लिए उपस्थित कराए हैं, बता रहे हैं। सन 1952 की घटना है। 50 वर्ष पहले भारत के स्वतंत्र कराने के
उद्देश्य से अभिनव भारत यानी अभिनव भारत नाम की एक संस्था थी जो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए बनाई गई थी नामक एक क्रांतिकारी संस्था स्थापित की गई थी। संस्था के संस्थापकों ने अब उसके विसर्जित करने का निश्चय किया। अतः सन 1952 की मई में बड़े पैमाने पर संस्था का समापन समारोह 4 दिनों तक सोत्साह मनाया गया। स्वतंत्र वीर बीदा उपाख्यात तात्याराव सावरकर जी यानी सावरकर जी का जो स्वतंत्र वीर थे वो स्वयं उस चारों दिन में उपस्थित थे। इसलिए गांधी जी का भी कहना था कि इस कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी थी उस समय उसको भी विलय कर दिया जाए क्योंकि केवल और केवल स्वतंत्रता के लिए उस संगठन को बनाया गया था, उस पार्टी को बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस उस समय के नेतृत्व ने गांधी जी के हत्या होने के बाद में गांधी जी का स्वर्गवास होने के बाद में उनको विलय नहीं किया, उसको खत्म नहीं किया, उनको कंटिन्यू रखा। आज हम देश को देख सकते हैं कि उसके चापलूस और जो चमचे थे चमचे के कारण देश को कहाँ पीछे लेकर आया है। वैसे ही बहुत सारे संगठन जैसे अभिनव भारत जो संगठन थी उसको भी समाप्त करने के लिए एक 4 दिन का सम्मेलन चल रहा था जिसमें अपने सावरकर जी वीर सावरकर जी उपस्थित थे। सेनापति उपाख्याय तात्याराव वापट ने समारोह का संचालन किया। अनेक बड़े बड़े नेताओं के 50 वर्षों के इतिहास का आलोचन करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों का अपनी यशस्वी वाणी से प्रकाश डाला। यानी बहुत सारे क्रांतिकारी वीर थे जो उसमें उपस्थित थे और अपने अपने वक्तव्य अपने अपने वाणी को प्रकाश डाला और सबको बताया। समारोह के कार्यक्रमों में लाखों लोग उपस्थित रहा करते थे। इस कार्यक्रम में लाखों लोग उपस्थित रहते थे, बड़े पैमाने पर होती थी। इस वर्ष पुणे के संघ शिक्षा वर्ग में आए हुए स्वयं सेवक सौभाग्यशाली रहे क्योंकि उन्हें समारोह के संध्याकालीन कार्यक्रम में उपस्थित रहकर गणमान्य नेताओं के विचारों को सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और संघ के संयोजक संध्याकालीन कार्यक्रम संघ के जो वर्ग लगता है उसमें विशेष रहता है और आनंद का विषय रहता है। उसमें बहुत सारी चीज क्रिएटिव चीज संयोजकों के द्वारा या संयोजकों के लिए कुछ कराया जाता है ताकि दिन भर जो रूटीन में बंधे हुए हैं उनको थोड़ी सी मन को हल्का करने के लिए ये कार्यक्रम किया जाता था। इसमें चलचित्र के माध्यम से कुछ दिखाया जाता था, अच्छे अच्छे गीतों को वहाँ पर प्रसारण किया जाता था, अच्छे अच्छे गीतों को बताया जाता था। उसी तरह ये भी एक कार्यक्रम था जिसमें स्वतंत्र वीर को स्वतंत्र सेनानियों के बारे में कुछ सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ और संयोजक वहाँ पर गए थे। श्री गुरु जी के पास समारोह में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा गया था। श्री गुरु जी की पूरे संघ शिक्षा वर्ग में उपस्थित रहने की तिथि और इस समारोह में तिथि एक ही थी, यानी जो पूरे संघ शिक्षा वर्ग में रहना था और समारोह की तिथि उसकी लगभग एक ही थी। इस समारोह के अंतिम 4th दिन श्री गुरु जी के भाषण का कार्यक्रम था। श्रेष्ठ श्रेष्ठ वक्ता व्यासपीठ पर विराजमान थे। केवल 50 मिनट पूर्व ही श्री गुरु जी सभा स्थल पर पहुंचे थे। श्री गुरु जी के आते हुए देखकर एक संशयक ने तुरंत धीरे से स्वतंत्र वीर सावरकर जी को उन्हें आने की सूचना दी। यानी जो गुरु जी आ रहे थे संशयक तो पहचानते थे, बाकी समाज के लोग पहचाने या ना पहचाने, लेकिन संशयक अच्छी तरह से पहचानते थे। तो स्वतंत्र वीर सावरकर जी को सूचना दी गई कि वो श्री गुरु जी आ रहे हैं। इसी समय मंच के पीछे की सीढ़ियों पर चढ़कर श्री गुरु जी व्यासपीठ पर पधारे, यानी अपने जो मंच था उस पर पधारे। सावरकर जी ने श्री गुरु जी का स्वागत करते हुए कहा, आइए माधव राव जी। यानी सावरकर जी अच्छे से स्वागत करते हुए बोले, आइए माधव राव जी। अभिवादन करने के लिए ज्यों ही श्री गुरु जी कुछ नीचे झुके त्यों ही सावरकर जी ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और श्री गुरु जी को अपने समीप ही बैठा लिया, यानी अपने पास में बैठा लिया, अपने बगल में बुला लिया। श्री वापट श्री सावरकर जैसे दो वयोवृद्ध श्रेष्ठ नेताओं के बीच में बैठे हुए श्री गुरु जी के कुछ संकुचाएं होंगे या सही नहीं है। यानी उनका उम्र कम था और उन लोगों का उम्र बहुत ज्यादा थे और बहुत उम्र के थे, 70 वर्ष थे उनका उम्र था सावरकर जी का। तो उसके बीच में एक साधारण से युवक जो बैठे हुए तो हो सकता है मन में संकुचन आया होगा, परंतु वे उस अनुरोध को टाल भी नहीं सकते थे।
यानी वो बोले अपने पास बैठने के लिए, तो संगत को टाल भी नहीं सकते थे। व्यासपीठ पर विराजमान होते ही श्री गुरु जी ने सर्वप्रथम सावरकर जी के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की। उस पर हंसते हुए सीना तान कर सीधे बैठते हुए उस 70 वर्ष के युवक ने प्रति प्रश्न पूछा, आपको क्या लगता है, यानी जो क्वेश्चन पूछे आपके हालचाल कैसी है, तो वो पूछ रहे हैं आपको क्या लगता है एकदम सीना टान कर। इस तरह के प्रश्न और इस तरह के उत्तर सुनने के लिए तथा निकट के ऐसे दृश्य देखने के लिए बहुत बड़ा पुण्य चाहिए, और ऐसे दृश्य देखने के लिए बहुत बड़ा पुण्य चाहिए, और ऐसे बड़े बड़े यशस्वी लोग एक साथ बैठे हों ऐसा देखना सबके सौभाग्य की बात नहीं है। सभा का समय होते ही समारोह के सभापति सेनापति वापट जी आगे बढ़े। विगत 3 दिनों का अनुभव कुछ ठीक नहीं था। 4 शब्द बोलने के अनुमति मिलने के बाद बोलने वाले वक्ताओं ने समय का पालन नहीं किया। वे भावावेश में बहकर जरूरत से बहुत ज्यादा समय तक बोलते रहे। समारोह में वक्ताओं की संख्या अधिक और समय कम था, इसलिए वक्ताओं पर समय पालन का प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया था। सेनापति वापट ने श्री गुरु जी को भाषण के लिए 10 मिनट का समय देकर उन्हें श्रोताओं के समक्ष आने के लिए अनुरोध किया। यानी सेनापति वापट जी जो निबंध का संचालन करते थे वो सबको बोले कि समय का पालन सभी नेताओं ने नहीं किया, इसलिए ये पूरा खिचपिच हो गया है। तो श्री गुरु जी से भी आग्रह किया गया, आपको 10 मिनट दे करके आपसे आग्रह है कि उसके उतने समय पर अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहिए। निर्धारित समय के भीतर भाषण पूर्ण करने की सूचना बापट जी सभी को ही दे रहे थे, परंतु श्री गुरु जी को देते समय वे अपनी हंसी रोक न सके। यानी सभी जानते थे समय का पालन कैसे करते हैं संशोधक, इसलिए वो रोक नहीं सके, हंसी और हंस दिए। तब श्री गुरु जी स्वतंत्र वीर सावरकर और सारी सभा भी हंस पड़ी, और ये श्री गुरु जी और सभी लोग सभा में सभी लोग थे उपस्थित थे वो हंस पड़े, क्योंकि संघ के संशोधक संघ संचालक जी समय का पालन न करे ऐसा हो नहीं सकता है। भाषण के लिए खड़े होते ही श्री गुरु जी ने अपनी घड़ी सेनापति वापट के सामने रख दी और उन्होंने अपना भाषण प्रारंभ करके कहा, यानी घड़ी अपने वापट जी सेनापति वापट जी को दे दिए, बोले ठीक 10 मिनट तक मैं बोलूंगा, 10 मिनट बाद मैं यहाँ आ जाऊंगा, यानी मेरा वक्तव्य समाप्त हो जाएगा। ऐसा श्री गुरु जी के मन में विश्वास था, बिना घड़ी का ही बोलना है तो मेरा घड़ी का ही उस समय का एकदम उनको पालन करना है, तो ये बोलते थे। क्या बोले, क्रांतिकारियों को पागल सिर फेरे कहकर लोग खुद को अकलमंदी का रूप दिखाते हैं, पर सत्य यह है कि उन्हें क्रांतिकारियों की राक्ष भक्ति की उग्रता सहन नहीं होती। क्रांति की अग्नि में स्वर्पण करके उसी क्रांति की ज्वाला को युवकों के अंतःकरण में प्रज्वलित करने के लिए जीवित रहने वाले डॉक्टर हरिद्वार के चरण चिन्हों का अनुकरण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। अतः क्रांतिकारियों को आदर पूर्वक वंदन करना तथा उसके प्रति स्मृति सुमनाजलि चढ़ाना मेरा कर्तव्य है। अब यह नहीं चलेगा कि क्रांति का चाहे जो अर्थ लगा लिया जाए, चाहे जो अर्थ लगा लिया जाए अस्थाई क्रांति के लिए अनिर्वण अस्थाई क्रांति के लिए अनिर्ष परिश्रम करना और वह भी शांति के मार्ग से प्रयास करना आवश्यक है। इसके लिए उग्र तपस्या की आवश्यकता है। इस समारोह में सभी को अपने हृदय में यह धारण कर लेना चाहिए कि दैन्यमय लोकजीवन को सर्वथा समाप्त करके सच्चे अर्थ में सुखी समृद्धि भारत का निर्माण करने के लिए राष्ट्रभक्ति शून्य और अराष्ट्रीय भावनाओं पर आघात करने के लिए भारत में अर्थात हिंदू राष्ट्र के राष्ट्रीय जीवन संबंधित स्वप्नों को परिपूर्ण करने के लिए तथा राष्ट्र के राष्ट्र ध्वज तथा भगवत ध्वज को योचंद्र यावचंद्र दिव्यकारो यावचंद्र दिव्यकारो फहराते रहने के लिए अपने अंतःकरण को क्रांति को ज्योति को निरंतर जागृत करना आवश्यक है। ये भाषण ये उनका वक्तव्य और इनके शब्द
ये सबको समझ में नहीं आता था, ये शब्द यानी ऐसे ऐसे शब्द यूज करते थे, ऐसे ऐसे शब्द को उपयोग करते थे, कठिन शब्द देते थे कि उसको समझ पाना मुश्किल था। इसलिए मैं आपके लिए सरल सरल शब्द भाषा में समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। यानी इतने बोलने के बाद में यहाँ यहाँ तक बोले, निरंतर जागृत रखना रहना आवश्यक है। जब सारी सभा भाषण सुनने के लिए विभोर थी, उसी समय गुरु जी ने अपना भाषण समाप्त कर दिया। 10 मिनट पूरे होने से में अभी कुछ क्षणों की देरी थी। वास्तव में सेनापति बापट को तथा समय सभा को ऐसा लग रहा था कि श्री गुरु जी 10-15 मिनट और भाषण दे। श्रोताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट के माध्यम से अपना मनोभाव व्यक्त कर दिया। स्वतंत्र वीर सावरकर ने भी कहा कि मेरे 10 मिनट कम करके माधवराव को समय क्यों नहीं दे देते। परंतु अब घड़ी हाथ है में से निकल चुकी थी। भाषण प्रारंभ करने के पूर्व समय का जो निर्देश दिया गया था, उसी निर्देश में सेनापति के उलझन को डाल दिया और भाषण समाप्त करने आसन ग्रहण करते हुए श्री गुरु जी ने सेनापति जी को अभिवादन किया और समय का पूरा ध्यान रखने के विषय में गुरु जी के तत्परता देखकर सारी सभा विस्मृत हो गई थी। सभा की ओर से सेनापति बापट की प्रशंसा की और निरंतर करते हुए श्री गुरु जी ने कहा, समान नेता के हाथों में मन संघ का बागडोर। सभा की ओर से सेनापति बापट की प्रशंसा और अभिनंदन करते हुए श्री गुरु जी ने कहा, आपके समान नेता को हाथ में संघ बागडोर सौंपकर डॉक्टर हेडगेवार जी अवश्य निश्चित हुए होंगे और भारत का भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। आपकी कृपा करते हुए श्री गुरु जी ने जाने के लिए जब खड़े होने लगे तो स्वतंत्र वीर सावरकर जी विहंगते मुस्कुराते हुए खड़े हुए। उन्होंने भी श्री गुरु जी का आलिंगन किया और वह दृश्य देखकर अनेकों के आंखों में आंसू आ गए और तालियों के गड़गड़ाहट सभा स्थल गूंज उठी। ऐसे थे गुरु जी, ऐसा था स्वभाव, ऐसा था उनका कार्य करने का और अट्रैक्शन, ऐसा था सबके समक्ष रहने का समक्ष। इन्हें सभी संशोधकों से अभी भी आग्रह है, समय का पूरा ध्यान रखकर शाखा में आइए और शाखा में समय के अनुसार समय का पालन करके ही संघ कार्य कीजिए। ये नहीं कि और सब सभाएं का और सब चीजों को छोड़ करके समय को पालन न करते हुए केवल संघ कार्य करना, ऐसा भी नहीं चलेगा। ये श्री गुरु जी के इस उदाहरण से समझ लीजिए कि नए वक्तव्य देने के लिए वो दे सकते थे लेकिन दिए नहीं, क्योंकि उस समय का पालन करना था और समय का पालन करके ही उन्होंने अपने वक्तव्य को समाप्त किया। अगला है वे बहुमूल्य वस्तुएं, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए और सपोर्ट कीजिए इस हिंदुत्ववादी और संघ के संसेवक। जितने संसेवक हैं उनसे आग्रह है कि सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर और मेरे इस कार्य का सपोर्ट कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सहयोग कर पा रहा हूँ आप इस संघ कार्य में, जिससे कि सोशल मीडिया और मीडिया माध्यम जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है उसको ना फैलाया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, आप सबका एक संसेवक चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग गुरु जी जीवन प्रसंग का आदर्श जीवन चैप्टर का 5वें खंड को कंप्लीट कर चुके हैं, 6वें खंड पर पहुँचे हैं। 6ठा खंड है वे बहुमूल्य वस्तुएं। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब कोई चीज रह तो नहीं गई? मैंने यह प्रश्न पूछा श्री गुरु जी के निजी सहायक डॉक्टर अब्बा जीतते से। उस समय अब वे अभी रेल के डिब्बे के अंदर ही थे, प्रातःकाल का समय था, गाड़ी कुछ लेट थी। ज्वालापुर के प्राय भीड़ नहीं रहती थी क्योंकि उसमें अगले स्टेशन हरिद्वार के लिए ही यात्री अधिक रहा करते थे। ज्वालापुर की गाड़ी का रुकना केवल 2 मिनट का ही होता था, इस कारण उतरने वाले यात्री फुर्ती करते थे और वह स्वाभाविक ही है कि, परंतु पहले दर्जे के डिब्बे में इसका कोई लक्षण नहीं था। इसके अलावा कई व्यक्तियों ने मिलकर श्री गुरु जी का सामान उतार दिया था। डॉक्टर दत्ते ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, मेरा विचार है कि अब सामान उतर गया है, परंतु
इस प्रश्न को उत्तर में श्री गुरु जी ने कहा, जो सामान उतर गया है उसको छोड़कर से हरिद्वार चला जा गया है। यह सुनकर मुझे बहुत चिंता हुई, परंतु वे मुस्कुरा रहे थे। मैंने नमस्कार करने के पश्चात पूछा, क्या सचमुच ही कोई चीज हरिद्वार चल गई है? कोई चीज डिब्बे में रह गई है क्या? वे मुस्कुरा दिए और कहने लगे, डिब्बे में किसी चीज के रहने का पता कैसे चल सकता है? मैंने सुझाव दिया, अभी एक आदमी हरिद्वार भेज देते हैं और वह डिब्बे की तलाशी लेने के बाद वहां लौट आएगा। श्री गुरु जी ने कहा, परंतु वह चीज तो उससे पहुंचने के पहले ही उड़ सकती है। मैंने पूछा, क्या इस प्रकार पहले भी कोई चीज खो गई है? श्री गुरु जी चुप हो गए। जैसे कि बाद में पता चला, वह बात नहीं थी कि उसके पास उसका कोई उत्तर नहीं था। शायद वे यह सोच रहे थे कि किन शब्दों में उत्तर दिया जाए। उन्होंने धीरे से कहा, वीर जी, सारा सामान न उतरने के कारण एक बार नहीं दो बार ऐसी चीजें गुम हो गई है जिसे मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। पहली बार तो स्वयं पूज्य डॉक्टर हरिद्वार जी के हाथ से लिखी हुई प्रार्थना गुम हो गई है, अब वह मिल नहीं सकती है। वह कितनी बहुमूल्य कोष था जिसके हाथ यह लगी होगी, वह उसके मूल्य का अंदाजा लगा नहीं सकता। मैंने पूछा, दूसरी? श्री गुरु जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद के पास एक चाकू रहा करते थे और वह किसी प्रकार से मेरे पास पहुंच गया। सामान उतारने वाले की लापरवाही से वह बहुमूल्य वस्तु भी गुम हो गई है। न मालूम किसके हाथ यह चाकू पड़ गया होगा, अब वह उससे क्या कार्य ले रहा होगा। सचमुच ही ये दो वस्तुएं बहुमूल्य थी और उसके गुम हो जाने से बहुत बड़ी हानि हुई। यानी गुरु जी के जीवन में विवेकानंद जी और डॉक्टर जी, ये दोनों का जीवन और दोनों का आदर्श गुरु जी के लिए सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी दो बहुमूल्य वस्तुएं यानी डॉक्टर जी की लिखी हुई प्रार्थना और विवेकानंद जी के चाकू का घूमना उनके जीवन का सबसे बहुमूल्य वस्तु को घूमने में से है। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय। आप सभी का मेरे एक संसेवक चैनल पर और इस चैनल में जिस माध्यम से मैं संघ के कुछ पॉजिटिविटी यानी संघ के सकारात्मक सोच को मैं आपके समक्ष ले रख रहा हूँ, श्री गुरु जी जीवन प्रसंग के पुस्तक के इस वीडियो को पहले अच्छा लगा होगा और आपने कुछ हद तक देखा भी है और बहुत लोग देख भी रहे हैं, इसलिए मैं प्रयास किया हूँ फिर से कि उसको पूरे सातवें खंड में हूँ। 6 खंड तक हो गया है और अभी 7वें खंड पर आए हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग लाइन बाई लाइन उसको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये अभी है, अभी अध्याय है आदर्श जीवन पाठ का हम लोग अभी आए हैं। क्या मैं फकीरी छोड़ दूँ? ये शीर्षक है वीरेंद्र भाई के द्वारा दिया गया है। ये 7वां खंड है। तो क्या फकीरी छोड़ दूँ? डॉक्टर श्री श्याम प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर में भारत की अखंडता के लिए बलिदान हो चुके थे। मुखर्जी अखंडता के लिए और लाल चौक पर झंडा फहरा करके बलिदान हो चुके थे, शहीद हो चुके थे। श्री श्याम प्रसाद मुखर्जी सरीखा व्यक्ति जो लोकसभा में श्री नेहरू जी प्रधानमंत्री जैसे नेता को भी अंकुश रखता था, उस पर कंट्रोल कर रहता था और उनके अपने बातों को जबरदस्ती रखने का प्रयास करता था, ये श्याम प्रसाद मुखर्जी की कला थी। और संसद में जिसकी बात कड़वी लगने के बाद भी, उनकी बात सबको बुरा लगता था, कड़वी लगता था, फिर भी सभी आग्रह पूर्वक सुनी जाती थी। फिर कहां मिलेगा ऐसा व्यक्ति, ऐसा था श्री गुरु जी का सोच। यह प्रश्न लोगों के मन में चक्कर काट रहा था और उनके निधन के 1-2 वर्ष बाद ही श्री गुरु जी प्रयाग गए। वहां से प्रयाग आए, जो इलाहाबाद अभी जिसको बोलते थे, अभी भी प्रयागराज हो गया है, प्रयाग आए। कार द्वारा पूज्य श्री गुरु जी ब्रह्मचारी के आश्रम पर उन्हें ले जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। जो अभी भाई साहब बोल रहे हैं जिनका नाम है वीरेंद्र भाई, वो उनके साथ उनको ले जाने का यह सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ।
श्री ब्रह्मचार्य जी के आश्रम में दंडवत के पश्चात मुस्कुराहट के साथ वार्तालाप का क्रम आरंभ हुआ। थोड़ी देर में श्री ब्रह्मचार्य जी गंभीर हो गए। उन्होंने स्लेट पर लिखकर वार्ता आरंभ की। जो अपने बहुत गंभीर हो गए, गंभीर होने के बाद में स्लेट पर अपने लिखकर उनसे बातचीत करने का यही किया, प्रयास किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए, अब देश का क्या होगा, ये उनको चिंता था ब्रह्मचारी जी को, अब देश का क्या होगा। एक ही व्यक्तित्व था जो श्री नेहरू जी को अंकुश झुका सकता था, अंकुश लगा सकता था, उनका स्थान ले सकता था, वह संसार से चला गया, उनको रिप्लेस कर सकता था, वो संसार से चला गया, उनको मार दिया गया और शहीद हो गए देश के लिए। अब ऐसा कोई राष्ट्र नेता नहीं है जो श्री गुरु जी के बात मनवा सके, अब ऐसा कोई राष्ट्र नेता नहीं है जो श्री नेहरू जी को बात मनवा सके, नेहरू जी के बात मनवाने के लिए कोई राष्ट्र नेता नहीं है। इसके लिए तो नेहरू जी के समक्ष कोई अखिल भारतीय नेता चाहिए। तो उनको चिंता हुआ अखिल भारतीय नेता कोई एक नेतृत्व देना चाहे, यानी उनके मन में भी गुरु जी के मन में संदेश हो गया, ये इशारा मेरी तरफ में आ रहा है। जो आवश्यकता पड़ने पर उन पर अंकुश लगा सके, राजनीतिक रूप से था, अंकुश लगाने के लिए उनकी ये ऐसे थी। ऐसा व्यक्तित्व तो केवल आपका ही है। तो गुरु जी भी समझ गए थे ये अपने मेरे तरफ ही इशारा करना चाह रहे हैं। श्री ब्रह्मचारी जी ने फिर से अपने कथन के अर्थ भरे शब्द से जोड़ा, आप जनसंघ के सभापति क्यों नहीं बन जाते हैं, यानी जनसंघ जो स्थापना हुई थी उस समय, राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, उसके सभापति बनाने के लिए ब्रह्मचारी जी ने कहा, आप ही एक ऐसे हैं जो नेहरू जी के बात मनवा सकते हैं, आप एक ऐसे नेता है जो नेहरू जी से बात मनवा सकते हैं, करवा सकते हैं, और दूसरा आखिर भारतीय व्यक्तित्व कहाँ मिलेगा, ऐसा व्यक्तित्व कहीं नहीं मिलेगा, सचमुच ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, और ऐसा व्यक्तित्व श्री गुरु जी के जैसे व्यक्तित्व जो आज संघ कार्य को इतने बड़े रूपों में लेकर के, जिस बीज रूप श्री डॉक्टर जी ने रखा, आज इतने बड़े रूप में लेकर चले गए श्री गुरु जी के, ऐसा व्यक्तित्व आज तक दुनिया में नहीं मिलेगा, और उस समय भी उस राजनीतिक कुछ हल पहल में नहीं थी। श्री गुरु जी ने उतनी ही गंभीरता से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, तो उनका भी उत्तर आया, यदि किसी युवती को कोई पति नहीं मिलता तो मैं क्या फकीरी छोड़ दूं? यह हास्य विनोद में अपने वक्तों को रख दिया, अगर किसी का शादी नहीं हो रहा, किसी का पति अगर एक्सपायर कर गया, तो क्या मैं अपनी फकीरी छोड़ के सन्यास आश्रम छोड़ के उससे शादी कर लूं क्या? राजनीति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी चले गए, वहां अभाव हो गया, तो उसको भरने के लिए कोई और होगा, ऐसा क्या मैं अपनी फकीरी छोड़ दूं, अपने संकार को छोड़ के वहां चले जाऊं? इस पर सभी एकाएक ठहाका मारकर हंसने लगे। इसके बाद भी अनेक बार श्री गुरु जी के साथ श्री ब्रह्मचार्य जी आश्रम पर गए, किंतु फिर कभी भी ब्रह्मचार्य जी ऐसा साथ नहीं गए। यानी एक शब्द, एक वाक्य जो बोल दिए, वो इतने बोलने के बाद श्री गुरु जी ने बस कितना इतना ही कहा, क्या मैं अपनी फकीरी छोड़ दूं? इतना में ही श्री ब्रह्मचार्य जी अपने समझ गए कि जो कार्य है बहुत बड़ा कार्य है, संघ का कार्य, अब इसको गुरु जी को राजनीति में जाना उचित नहीं है। तब से उसके बाद से उन्होंने कभी भी श्री गुरु जी को ऐसा नहीं कहा कि आप मेरे ये काम कीजिए वो काम कीजिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये शॉर्ट में ही वीडियो मैं शॉर्ट में ही बनाता रहूँगा, और आपको अच्छा लगता है तो भारत माता का आशीर्वाद से मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ, तो आप ये आशीर्वाद बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और आपका आशीर्वाद, आपका प्यार बना रहेगा, आपका सहयोग बना रहेगा, तो मैं ही ऐसे ही संघ कार्य, संघ कुछ पॉजिटिव वर्क काम करते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।